हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए कर्व। हम बताएंगे कि टेंजेंट और नॉर्मल होते क्या हैं और कैसे इनकी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए, कोई भी कर्व है आपकी, ठीक है, किसी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ की, दैट दिस पॉइंट इज X1, Y1, क्लियर है? X0, Y0 बुक के अंदर X0, Y0 से मेंशन कर रखा है। चलिए, इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट गिवन है, ये टेंजेंट है आपकी, ये आपकी कर्व है, लेट दिस कर्व इज FX, क्लियर है? टेंजेंट क्या होती है? लाइन जो कर्व को एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे टच करे। तो इसकी आपको इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालनी है, कैसे निकालेंगे? आपको पॉइंट गिवन है, सिंगल पॉइंट गिवन है, और क्या चीज गिवन है, और क्या चीज हो सकती है? देखिए, आपके पास फंक्शन है, यदि हम इसका डेरिवेटिव कर दें, ठीक है ना, तो ये क्या होता है? स्लोप होता है टेंजेंट का, ठीक है। अब ये तो स्लोप, इस कर्व के ऊपर बहुत सारी टेंजेंट हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी, ठीक है ना। तो ये जो स्लोप है, ये तो आपको सभी टेंजेंट्स का स्लोप देगा। मुझे इसी पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, जो स्लोप आया है उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब आपने वैल्यू पुट करी है X1 और Y1, तो आपकी स्लोप क्या आ जाएगा? X1 आ जाएगा। ये स्लोप आया है आपका टेंजेंट का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, टेंजेंट होती क्या है? टेंजेंट होती तो आपकी स्ट्रेट लाइन है। अब आपको इसका पॉइंट भी पता है, किस पॉइंट पे आप टेंजेंट गिवन है, आपको इसका स्लोप भी पता है, क्लियर है। तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन की। क्या इक्वेशन होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म से? Y-Y1 इज इक्वल टू स्लोप X-X1। आपका स्लोप कितना है यहां पे? F-X1, क्लियर। इस तरीके से आप इसकी टेंजेंट की क्या है इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक बात तो ये थी। अब आती है बात कि नॉर्मल की। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होती है लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। नॉर्मल ऑफ ए कर्व इज ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए ये लाइन आपकी L है, ठीक है, तो L इज नॉर्मल। अब पॉइंट, अब हमें नॉर्मल इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे? पॉइंट तो वही है आपका X1, Y1 गिवन है आपको। अब इसका निकालना है स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे इसका? L एंड, देखिए, नॉर्मल एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये मैंने अभी बताया आपको, क्लियर। नॉर्मल का स्लोप मान लीजिए आपका है M, टेंजेंट का स्लोप हमने अभी निकाला था, क्या आया था? F-X1। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, आप 11th क्लास का सिलेबस रिवाइज कीजिए, थोड़ा माइंड में लेके आइए। टू लाइंस जब परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनका जो स्लोप होता है, उनकी जो मल्टीप्लाई होती है, वो किसके इक्वल होती है? -1 के इक्वल। तो स्लोप कितना आएगा नॉर्मल का? F-X को इधर ले जाइए, मीन्स -1 / में ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। -1 को डिवाइड करना है टेंजेंट के स्लोप से, तो आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/dy/dx, क्लियर। एट पॉइंट X=X1, आपके पास स्लोप आ चुका है। अब आपको क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे रहेगी? पॉइंट आपके पास गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी Y-Y1 स्लोप
स्लोप, स्लोप क्या था नॉर्मल का, माइनस वन अपॉन एफ डैश एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स। ये इक्वेशन होगी आपकी नॉर्मल की। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनके आप यूज करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सिक्स पॉइंट थ्री फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल टू 3x4 माइनस 4x एट एक्स इज इक्वल टू 4। आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है कि इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है उसका स्लोप निकालिए। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, ये कर्व है मान लीजिए आपकी जिसकी इक्वेशन गिवन है, इसके ऊपर उसने कहा टेंजेंट है कोई, तो स्लोप निकालना है किस पॉइंट पे, जहां पे x इज इक्वल टू क्या है 4 गिवन है। ओके तो आप क्या करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स लेंगे, 4 इंटू 3 12 एक्स क्यूब माइनस 4 एट एक्स इज इक्वल टू 4 डीवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 12 4 की पावर 3 माइनस 4 4 का क्यूब 64 माइनस 4 764। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है आपका, मैंने आपको बताया था स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डीवाई बाई डी एक्स होता है, और वही कितना है आपका 764। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। सेम क्वेश्चन है, उसमें भी एक इक्वेशन गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है, उसमें भी आपको डेरिवेटिव निकालना है और डेरिवेटिव निकाल के एक्स की वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सारे एक जैसे हैं, 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन नंबर से सेम है आपके 1-4। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एक्स इज इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन है, थीटा पाई बाय 4 है आपका, इस पे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो डीएक्स बाय डी थीटा निकालिए सबसे पहले, तो 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, डीवाई बाई डी थीटा क्या रहेगा 3 आ गया आएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, पहले तो पावर सोल्व हुई साइन क्यूब का साइन स्क्वायर हुआ, अब साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा, हमें निकालना क्या है डीवाई बाई डी एक्स। तो डीवाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, डीवाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी थी एक्स बाई डी थीटा, dy by d theta 3a sin square theta cos theta divided by minus 3a cos square theta sin theta, 3a से 3a, sin से sin cancel, एक cos से एक cos cancel, minus sin by cos कितना बचेगा tan theta, एक sin ऊपर बचा हुआ है एक cos नीचे बचा हुआ है, तो sin by cos tan theta at थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, थीटा की वैल्यू गिवन है पाई बाय 4, तो डीवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस टेन पाई बाय 4 माइनस 1। क्लियर? निकालना क्या है आपको, उसने पूछा है स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं पूछा हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा होता तो ये आ चुका है आपका माइनस 1। स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल होता है, माइनस 1 अपॉन डीवाई बाई डी एक्स, माइनस वन अपॉन डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस वन, और माइनस वन से माइनस वन कैंसल आउट, क्या रहेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1।
क्वेश्चन नंबर सिक्स भी सेम है, इसी पैटर्न पे है, ये करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर सेवन, एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर सेवन, फाइंड पॉइंट, पॉइंट निकालने हैं एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कोई कर्व है, टेंजेंट है आपकी, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो कहते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। किस पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ की गई है वो आपको निकालनी है। चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। कर्व है आपकी y इज इक्वल टू एच क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन। तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन। क्लियर। अब स्लोप इज, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, जीरो होता है, तो इस लाइन का स्लोप भी कितना होगा, जीरो होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स को आप जीरो के इक्वल पुट करें, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, थ्री से डिवाइड कर दें, फैक्टर्स बनेंगे एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू एक तो थ्री आई, एक आई है माइनस वन। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, इसमें फाइंड पॉइंट्स, पॉइंट्स बताने हैं कि जहां पे टेंजेंट्स आपकी पैरेलल है एक्स एक्सिस के। इक्वेशन क्या है, ये है, इस इक्वेशन में आप एक्स की वैल्यू एक बार थ्री पुट कीजिए, एक बार माइनस वन पुट कीजिए। पुट इन वन, जब हम x इज इक्वल टू थ्री पुट करेंगे तो क्या आएगा, y थ्री का क्यूब 27 प्लस सेवन माइनस 20, एक पॉइंट तो आया आपका थ्री माइनस 20, सेकेंड पॉइंट माइनस वन के लिए, x इज इक्वल टू माइनस वन के लिए y क्या हो जाएगा, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होगा तो माइनस थ्री रहेगा, ये प्लस नाइन हो जाएगा, प्लस में सेवन, नौ सा सोलह में से चार गए बारह, तो सेकंड पॉइंट आया माइनस वन एंड ट्वेल्व। ये जो टू पॉइंट्स हैं जहां पे टेंजेंट आपकी पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की। 6.3 क्वेश्चन नंबर सेवन, आंसर देख लेते हैं एक बार इसका। थ्री एंड माइनस ट्वेंटी माइनस वन एंड ट्वेल्व, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर एट। देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कर्व है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। ओके, ये कर्व है आपकी, ठीक है, और ये है आपकी कोर्ड 20 एंड 44। वो कहता है कि कर्व की जो कोर्ड है उसके पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ है, फाइंड द इक्वेशन, नहीं फाइंड ए पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट पैरेलल टू कोड है, ठीक है। चलिए पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी
स्लोप निकाल लेते हैं टेंजेंट का, डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा 2 इंटू एक्स माइनस 2, क्लियर। अब कोड स्लोप ऑफ कोड कितना होगा, किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं हम, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। वाई टू कितना है 4 माइनस 0, 4 माइनस 2 4, तो इसका जो स्लोप आया है आपका वो कितना है कोड का 2। अब टेंजेंट पैरेलल है कोड के तो टेंजेंट का स्लोप भी सेम होगा, टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड तो स्लोप इक्वल होंगे, इक्वल कर दीजिए 2x माइनस 2 इज इक्वल टू इसके 2 के, 2 से 2 कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आई 2 आई है, पुट इन 1, ये इक्वेशन 1 है, पुट इन 1 तो आपके पास y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर ये कितना होगा 0, तो पॉइंट्स आए हैं आपके 2 0। थ्री वन एट्थ का आंसर मैच नहीं हो रहा है इसका, क्या हुआ थ्री एंड वन। ओह यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ क्या मिस्टेक हुई है, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, तो 2 इधर जाके 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो 3 माइनस 2 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो पॉइंट्स आपके 3 और 1, ये थोड़ी मिस्टेक थी इसे ठीक कर लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज, टेंजेंट गिवन है, पॉइंट बताना है आपको कि किस पॉइंट पे आपने टेंजेंट रोकी है। y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5, ये कोई कर्व है आपकी, ठीक है, इस पे किसी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है। हम जो टेंजेंट है, टेंजेंट की इक्वेशन है वाई इक्वल टू एक्स माइनस 11, आपको बताना है कि किस पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ की गई है। टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 11, ठीक है, इसका स्लोप कितना होगा, इसे कंपेयर कीजिए एम एक्स प्लस सी के साथ, इसे फॉर्म में है ना लाइन, ये लाइन की इक्वेशन, तो एम की वैल्यू क्या है, टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया एम इक्वल टू 1, यहां से क्या आएगा टेंजेंट का स्लोप डी वाई बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 11, ये टेंजेंट का स्लोप आया, और जबकि हमारा जो गिवन इक्वेशन है वहां से स्लोप कितना है एम इक्वल टू 1, तो आप इन दोनों को क्या कर दें, इक्वेट कर दें, इक्वल टू पुट कर दें 1 3x इक्वल टू 1 प्लस 11 12, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 बाई 3 4, एक्स की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 2, तो एक्स की 2 वैल्यूज आई हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है और टेंजेंट के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन में पुट करके पुट इन 2, सेकेंड इक्वेशन है ये 1, मैं पॉइंट निकालने की कोशिश करता हूं, एक्स की वैल्यू 2 रखी आपने, तो वाई क्या होगा 2 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 9, मतलब 2 और माइनस 9, यदि आपने x की वैल्यू माइनस 2 रखी है तो y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 11 माइनस 13, पॉइंट आया माइनस 2 माइनस 13, ये 2 पॉइंट्स आए। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से सोचिए, क्या दो पॉइंट्स पे सेम टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है, जो एक टेंजेंट है जिसकी एक गिवन इक्वेशन है वो टेंजेंट सिर्फ सिंगल पॉइंट पे ड्रॉ होगी, दो पॉइंट्स पे ड्रॉ नहीं होगी, ठीक है ना, कर्व के एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ होती है, या तो वो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ है या इस पॉइंट पे है, तो कोई सा ना कोई सा पॉइंट आपका गलत है। तो आप चेक कैसे करेंगे, आप इन दोनों पॉइंट्स को
गिवन इक्वेशन में पुट करके देखिए, 2 और -9 को 1 में सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को या नहीं कर रही है। वाई की वैल्यू क्या है, -9 रखी मैंने, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 का क्यूब -11 × 2 + 5 -9 = 8×5 = 13 - 22 - 9। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब जो सेकंड पॉइंट होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। पुट करके देख लीजिए आप, ये वाला पॉइंट इन वन, y की जगह -13 रखा आपने, -2 का क्यूब - 11 × -2 + 5 - 8 + 22 + 5 - 22 - 8 = 19। तो जो सेकंड पॉइंट है वो आपका सही पॉइंट नहीं है, जो सही पॉइंट है आपका कौन सा है, 2 - 9। ये इसका क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1। स्लोप कितना है जिन लाइंस का, -1 है, एंड दैट आर टेंजेंट टू द कर्व और इस कर्व पे वो टेंजेंट्स है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, dy बाई dx कितना हो जाएगा, इसे हम रखें -1 है ये, स्लोप निकालेंगे -1 आगे पावर -2 यानी -1/(x-1) का स्क्वायर। क्लियर, लेकिन उसने कहा है कि जो स्लोप है g1 है वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। पुट कर दिया आपने, ये स्लोप आपने ड्राइव किया है, निकाला है डेरिवेटिव से, और ये g1 है, दोनों को आपने इक्वल कर दिया, -1 = -x-1 का स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 = क्या होगा, x² + 1 - 2x। क्लियर, 1 से 1 कैंसिल आउट, x² - 2x = 0, x - 2 = 0। तो x की वैल्यू या तो 0 आ रही है, या x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। y की वैल्यू निकालिए, y की किसके इक्वल है, 1/(x-1), जब हम x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1/(0 - 1), 1/(-1) - 1, और अब पुट कीजिए 2, y = 1/(2 - 1), 2 में से 1 गया 1, कितना आया 1। तो आपके पॉइंट्स क्या क्या गिवन है, एक तो 0, 2 है, और सेकंड है 2, 1। अब आपको क्या निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस That are tangents, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले किस पे निकालते हैं, 0, 2 पे निकालते हैं, रखिए y - y1 × slope x - x1। y1 कितना है आपका, 2, स्लोप क्या गिवन है आपका, स्लोप गिवन है -1, x - x1 आपका 0 है, y - 2 = -x, और ये क्या होगा, x + y - 2, माइनस एक्स को इस साइड लेके गए तो ये आपकी इक्वेशन आई है। सेकंड है आपका पॉइंट 2, 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2, 1, y - y2 कितना है इसमें, y1, 1, स्लोप वही है -1, x - 2, y - 1 = -x + 2, इस साइड ले जाइए x + y - 1 - 2, तो इक्वेशन आएगी आपकी x + y - 2।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 10th आपका, जिसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी गई थी, स्लोप गिवन था. क्वेश्चन नंबर 11th और क्वेश्चन नंबर 12th ये भी सेम है इसी पैटर्न के ऊपर आपके. तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप अपने आप ट्राई कीजिए. थैंक यू.